बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, पाकिस्तान से मैं अमन और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद। हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टा मुझे फॉलो करें। इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मुझे इस टाइम 103 बुखार है, लेकिन वीडियोज का वादा आपके साथ किया होता है। अभी देख ले, आंखों में पानी आ रहा है और बहुत सारा बुखार है, लेकिन वीडियोज वादा किया होता है तो वो लेके आनी पड़ती है। लेकिन थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिएगा, अगर उस तरह की एनर्जी मेरे में से अगर आज नहीं निकलती। लेकिन रिंकू सिंह ने क्या बैटिंग की है, मतलब एक टैलेंट, एक छाप छोड़ के गया अपनी। कोलकाता बाहर हो गया एक रन से हारी है, जो है वो लखनऊ क्वालिफाई कर गया। लेकिन क्या प्लेयर है रिंकू सिंह, मतलब यार मैं बात करता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, इस तरह का टैलेंट जब बंदा देखता है ना, मतलब आंखें यकीन नहीं कर पाती कि 10 में से 9 मैचेस ये जितवाता है इस सिचुएशन में। मतलब 10 बालों पे आई थिंक 35 रन चाहिए थे, आई थिंक 12 बालों पे आपको चाहिए थे 42-3 समथिंग चाहिए थे। मतलब उधर से वो लड़का मैच को किधर ले आया, 1 रन से मैच हारे हैं। मतलब एक्सेप्शनल टैलेंट है ये बंदा, और इस वजह से आईपीएल की क्रिकेट को मैं पसंद करता हूँ। आईपीएल की क्रिकेट को वो हर एक बंदा पसंद करता है जो क्रिकेट को समझता है। देखिए, प्रोफेशनल बंदा बन जाता है आईपीएल में, जो बंदा इंटरनेशनल नहीं खेला होता। रिंकू सिंह इंटरनेशनल नहीं खेला हुआ, लेकिन वो आईपीएल से एक इंटरनेशनल प्लेयर बन चुका है। वो इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर ले चुका है, वो इंटरनेशनल का प्रेशर ले चुका है। इस आईपीएल में रह के बड़ा स्टार बनेगा, बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। ये फर्क है इंडिया क्रिकेट में, और घंटा फर्क है पीएसएल की क्रिकेट में, कि वो फ्लैट पिचू पे रन करते रहो पिंडी की, और जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाओगे आपके लोड़े लग जाएंगे, आपके से रन नहीं होंगे। ये रिंकू सिंह टाइप के प्लेयर ले लो यार, कितना टैलेंट निकल के आ रहे हैं इंडिया में से। इस आईपीएल में अगर मैं आपको टैलेंट गिनवाना शुरू करूं तो बेतहाशा टैलेंट निकल के आया। रिंकू सिंह ने हर एक मैच को, वो कहते हैं ना कि थ्रिलर बनाया, हर एक मैच को उसने ऐसा किया कि मतलब दिल खुश होता है, दिल से दुआ निकलती है कि यार इस तरह के बंदे स्ट्रगल करके जब क्रिकेट में आते हैं, फिर उनकी स्ट्रगल जब बंदा देखता है तो बंदा मोटिवेट हो जाता है कि यार क्या मतलब प्लेयर है यार ये। और इस तरह के प्लेयर, फिर इस तरह के बंदे डिजर्व करते हैं यार इनको इंटरनेशनल टीम में मौका दिया जाए, वो अपने मुल्क का नाम रोशन करें। और इंडिया की जानिब से ये बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, मैं लिख के कह रहा हूँ, दुनिया का बेहतरीन फिनिशर बंदा ये बनेगा रिंकू सिंह। मतलब क्या प्लेयर है यार, किस क्या खाता है ये बंदा, मतलब किस अंदाज से ये खेलता है। मैं लिटरली आपको बताता हूँ, कोलकाता बाहर हो गया कोई मसला नहीं, कोलकाता ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है वो बाहर हो, उसमें उन्होंने बाहर ही होना था। लेकिन रिंकू सिंह एक पॉजिटिव चीज मिल गया इंडिया को, मुझे लगता है कि अब रिंकू सिंह को डेब्यू करवा देना चाहिए। आगे जो वेस्ट इंडीज सीरीज आ रही है ना डब्ल्यूटीसी फाइनल के बाद, उसमें रिंकू सिंह का नाम, जसवाल का नाम, इन लोगों का नाम जरूर होना चाहिए। जो जो मेरी इस बात से एग्री करते हैं वो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मतलब एक्सेप्शनल टैलेंट है यार ये लड़के, और ये पीएसएल के घंटे उठा लो, इनसे रन ही नहीं होते इंटरनेशनल क्रिकेट में। आजम खान है वो पांडा, वो पीएनडी में मारता रहा, जब उसको इंटरनेशनल डेब्यू करवाएगा तो डक 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 पे आउट हो गया। ये फर्क मैं कहता हूं, बगैर तो बात को सुना करो और बात को समझा करो कि ये टैलेंट है आईपीएल में। वो प्लेयर को इतना पॉलिश कर देते हैं, इतना पॉलिश कर देते हैं कि वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है ना, उसको प्रेशर फील ही नहीं होता, वो उसी तरह परफॉर्म करता है जिस तरह वो आईपीएल में करके आया होता है। क्योंकि आईपीएल एक ब्रांड है, उसमें दुनिया का हर एक बड़ा बड़ा प्लेयर खेलने आता है। रिंकू सिंह ने वो चीज प्रूव की है। मैं रिंकू सिंह की आपको कौन कौन सी इनिंग बताऊं यार, मुझे याद है 30 रन चाहिए थे ओवर में, इस बंदे ने 5 छक्के करके जितवा दिया। एक ओवर मैच था आई थिंक इसका मुंबई इंडियंस खिलाफ इसका कोई मैच था, उसमें भी इसने 3-4 छक्के मार के मैच जितवाया था। आज भी ये मैच जितवा गया हुआ था, अगर वो लास्ट ओवर में जो डबल थी वो एक अगर वो ये डबल ले लेते तो आज ये मैच रिंकू सिंह कोलकाता को जितवा देता। मतलब क्या प्लेयर है यार रिंकू सिंह, एक्सेप्शनल टैलेंट। और इस तरह के टैलेंट मतलब कभी कभी आते हैं, आप इस तरह वर्ल्ड में उठा के देख लो ना, बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर होंगे यार, बड़े बड़े खतरनाक प्लेयर होंगे, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में वो भी 1 या 2 मैच जितवा पाएंगे, 10 में से 9 वो कभी भी जितवा नहीं पाएंगे। लेकिन रिंकू सिंह वैसा करता है, रिंकू सिंह वैसा करता है। देख, 3 टीमें क्वालिफाई कर गई हैं और एक रह गया मुंबई और आरसीबी में से कोई एक करेगी। मेरी टीम आरसीबी है तो ऑब्वियसली बात है मैं चाहूंगा कि आरसीबी हो और आरसीबी वर्सेज एलएसजी का मैच हो लखनऊ और आरसीबी, फिर वो नवीन और विराट कोहली। और विराट कोहली ना डंडा दे उसके अंदर, क्योंकि आज रिंकू सिंह ने तो डंडा दिया ना उसको। रिंकू सिंह ने आज मैंगो खिलाए हैं उसे भाईजान, आज मैंगो स्वीट मैंगो खिलाए हैं रिंकू सिंह ने भाईजान नवीन उल हक को।
ऐसा ऐसा तपाचा मारा ना उसकी शक्ल, लंगती शक्ल के ऊपर, उसको औकात समझ आ गया कि ये तेरी औकात है। अभी तो मैं कहता हूँ आरसीबी जाए प्लेऑफ में और इसके साथ लखनऊ के साथ मैच, और गौतम गंभीर की शक्ल फिर देखने वाली होगी ना जब अंदर किला जाएगा ना, फिर समझ आ रही है इनको। रिंकू सिंह का तो भाईजान मैं तो फैन हो गया हूँ, लिटरली मैं रिंकू सिंह का फैन हो गया। मुझे बंदा ये चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में। कौन कौन चाहता है कि रिंकू सिंह को इंटरनेशनल डेब्यू करवा दिया जाए, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है यार। बाकी बहार बहुत ज्यादा मुझे, और आप लोग दुआ कीजिएगा, अभी भी देख ले आंखों में पानी आ रहा है और स्टिल देख ले, लेकिन वीडियोस करनी होती है, आपके साथ वादा होता है मेरा, वो आप लोग इंतजार कर रहे हो, तो इस वजह से कहता हूँ कि सपोर्ट किया करो, क्योंकि हम बहार में हर सिचुएशन में आपके साथ वीडियोस लेके आते हैं। इतना बोला जा रहा है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और रिंकू सिंह के बारे में एक लाइन लिख दीजिएगा यार नीचे, मतलब क्या एक्सेप्शनल टैलेंट है, मतलब माशाल्लाह बोलना चाहिए यार। इस तरह के बंदे को देखे ना खुशी होती है कि मतलब इंडिया का, मैं इतना कह सकता हूँ कि फिनिशर का रोल है ना वो, ये बंदा बड़ा खूबी बखूबी निभाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।